आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अमित कुमार है, मैं फरीदाबाद एसी नगर से आता हूँ। मेरी गवाही यह है कि 25 दिसंबर 2023 से मुझे दो शक्ति का अटैक होता था। मेरे ऊपर जब अटैक होता था तो मुझे उठा के फेंक देता था। मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा मुझे उसका कुछ नहीं पता होता था। मैं बहुत परेशान था। मैं यहाँ तक कि कंपनी में जब होता था तो उठा के मशीनों पे से फेंक देता था। बंदे पकड़ते थे मुझे तो उनको भी फेंकने लगता था और बार बार मैं अपने आप को मारने लगता था और बार बार एक ही बात कहता था कि मैं इसे मार दूंगा। इतना होने के बाद कुछ नहीं होता था। मैं 10-15 मिनट ऐसे ही चलता था, क्या होता था क्या नहीं। इससे बहुत लोग इकट्ठा हो जाते थे, सब पागल समझ रहे थे। कोई बात नहीं कर रहा था, कंपनी में भी चाहे घर पे भी सब यही समझ रहे थे कि ये पागल हो गया है। मेरे ऊपर जब अटैक हुआ ना तो मैं बंदे को मारने लगता था, गाली तक देने लगता था। अपने आप को ऐसे लगता था जैसे वो सामने मेरे खड़ा है और मैं उससे बात कर रहा हूँ। बात करते करते क्या होता था, मैं मशीन चलाते चलाते मशीन पे से फेंक देता था मुझे, और बंदे जब मुझे पकड़ते थे तो बंदे को मैं उठा उठा फेंक देता था। फिर एचआर वाले ने भी मना कर दिया था कि तुम कंपनी मत आओ, तुम्हारी वजह से कंपनी को बहुत दिक्कत होगी। इसके बाद मुझे घर पे 10 दिन तक रेस्ट में रखा गया। 10 दिन तक रेस्ट में रखा गया, फिर भी मैं 10 दिन रेस्ट में नहीं रहा, कंपनी जाते ही रहा। कंपनी में जाने के बाद मुझे अटैक हो जाते थे मशीनों पे जब लगाता था मेरा सुपरवाइजर, तो मशीनों पे से अटैक हो जाते थे। फिर मुझे उसने लगाया पैकिंग पे करता था तो मैं सही रहता था। यहाँ तक कि जब मुझे चर्च में लाया गया पहली बार, तो मेरे ऊपर पहले बार जब सभा चल रही थी, प्रार्थना हो रही थी, तो प्रार्थना में बीच में उठा के फेंक दिया और हाथ पैर भाजने लगा। यहाँ तक कि 10 मिनट तक पहली बार मुझे 31 दिसंबर को जब वेदी पे ले गया गया, वहाँ पे ले हैंड हुआ तो पूरा आधे घंटे तक पूरा उखड़ा ही रह गया, पूरा ऐसे ही होते रह गया। कोई मुझे कुछ पता नहीं होता था क्या हो रहा क्या नहीं। फिर ऐसे धीरे धीरे चलता रहा, मैं चर्च आते रहा। 9 जून 2024 को जब मेरे ऊपर लैंड हुआ तो मैं गिर गया और मुझे हल्का महसूस हुआ, मुझे पवित्र आत्मा ने छुआ और उस दिन से मैं अच्छी तरह से चंगा हो गया और मैं अच्छा रहने लगा। 9 जून के बाद ये हुआ कि मेरे ऊपर कोई भी अटैक नहीं होता है, कोई भी सपने नहीं आते हैं, मैं किसी को गाली नहीं देता, मैं अच्छे से जॉब कर रहा हूँ। यहाँ तक कि जब मेरे ऊपर अटैक होता था पहले तो मेरा जॉब भी नहीं चलता था, 4:30-3 मैं छुट्टी करके आ जाता था। लेकिन अब जब से ले हैंड हुआ है उसके बाद से मैं अच्छी तरह जॉब भी कर लेता हूँ, नाइट तक की नाइट भी लगा लेता हूँ, अब मेरे ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं होती है। इस गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ, उनके दास दासियों का धन्यवाद करता हूँ। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। स्वागत है आपको परमेश्वर के मंदिर में। आपने बहुत सारी गवाहियां आज सुना, इसी टाइम बहुत सारे हीलिंग टेस्टिमनी सुना, बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने आशीष दिया, अनुग्रह दिया सुना। उन सब में की बात है, हमारी आशीष है, अनुग्रह, गवाहियां, जो जन्म होता है वचन के द्वारा। क्योंकि जो वर्ड है, प्रभु यीशु मसीह का वचन ने इस धरती को बनाया, मुझे और आपको बनाया। परमेश्वर ने धरती का निर्माण होने के टाइम बोला लेट देयर बी लाइट, और जैसे वो वर्ड को रिलीज किया चीजों का जन्म होना शुरू हुआ। आपका हीलिंग के लिए, डिलीवरेंस के लिए, आपको मदद करने के लिए चर्च ने, टेम्पल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च ने एक 21 आयतें आपकी चंगाई के लिए और छुटकारे के लिए, बी हील्ड इन जीसस क्राइस्ट माइटी एंड मार्वलस ने किताब लॉन्च हुआ और बहुत सारे लोग खरीद चुका है और बहुत सारे गवाहियां इसके द्वारा भी आ चुका है। क्योंकि बहुत बार हमें प्रे करना नहीं आता। मैं कल या परसों डॉक्टर पॉल योंगिचो का कुछ दिन पहले किताब पढ़ रहा था, उन्होंने बोला बहुत बार उनके पास जैसे पास्टर्स आता है वर्ल्ड ओवर से, वो अपनी प्रेयर माउंटेन में ले जाते प्रार्थना कराने के लिए, कहता आधा घंटे के ऊपर कोई बंदा प्रे नहीं कर सकता। सीनियर पास्टर्स की बात करें, वो कहते हैं हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह, यही बोलते रहेंगे, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उनको प्रार्थना करना ही नहीं आता। पास्टरों का ये हाल है तो आप जानते विश्वासी का क्या हाल होगा। तो आपको मदद करने के लिए, प्रार्थना के लिए मैंने एक छोटी सी किताब लिखा, और आप भी अपने डिक्लरेशन लिख सकते हैं, अलग अलग जगह वर्ड पे आप लिख सकते हैं, आप प्रार्थना बना सकते हैं। और अपनी परिवार, मैं चाहता हूँ आप अपनी 4-5 कॉपी घर पे हमेशा स्टोर करिए, 5 या 10 कॉपी, जो आते परिवार, कोई व्यक्ति आता है बीमारी कहता है, कोई इश्यूज कहता है, ऐसे गिफ्ट आप दे दीजिए। बहुत जो प्रिंटिंग खर्चा निकला उसी में ही
चर्च उसको अवेलेबल कर रहा है आपके लिए। सो मेरा विश्वास है आप आज खरीदेंगे, चर्च में अवेलेबल है। खरीद वर्ड गलत है, आप अवेलेबल करेंगे इस चीज़ को और परमेश्वर आपको ब्लस करेंगे, आपकी परिवार को आशीष देंगे, अनुग्रह देंगे। चर्च की स्टोर में इस बुक अवेलेबल है और अमेजिंग अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा आपका। आप डिक्लेयर कैसे करना, प्रार्थना कैसे करना आप सीखेंगे इसमें से। ब्लेसिंग्स ऑन यू आज की सभा और आने वाले टाइम, ब्लेस्ड टाइम होगा यीशु के सामने के नाम से। ब्लेसिंग्स ऑन यू, बाय बाय।